हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो असी कर रहे सी फिजिक्स। फिजिक्स दे विच नेक्स्ट जो मैं कराने जा रही हूँ दैट इज लेजर स्पेशल, जो सिलेबस दे विच मेंशन हैगा है, ठीक है। अलग तो एक टॉपिक हैगा लेजर का लिखा हुआ, ठीक है। सो द टर्म लेजर इज एक्रोनाइम दैट स्टैंड फॉर एल फॉर लाइट, ए फॉर एम्पलीफिकेशन, बी फॉर सॉरी बाय, एस फॉर स्टिमुलेटेड, ई फॉर एमिशन ऑफ, आर फॉर रेडिएशन, ठीक है। लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन, ये सारी डेफिनेशन है कि लाइट की असं एम्पलीफिकेशन करते हैं किदा बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, मतलब स्टिमुलेटेड एमिशन कराने आपां। भी मैं समझाणी की हुंदा है, पहला जिहड़ा सीगा इस तो पहला हुंदा सी मेजर, मेजर हुंदा सी माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन, ठीक है। माइक्रोवेव, एम फॉर माइक्रोवेव, क्लीयर। सब तो पहली जिहड़ी द फर्स्ट गैस लेजर यूजिंग हीलियम एंड नियॉन, वो केड़ी सीगी, हीलियम नियॉन लेजर। एक तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट आई नोट कर लेने, बहुत ईजी है। नैक्सट हैगी एडजॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन। देखो आज जो एल्बर्ट आइंस्टीन सी उन्हें स्टडी की थी द इंट्रैक्शन ऑफ मैटर विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, से उन्हें की दसिया सी इहदे बेसिस ते। ही प्रपोज द इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर कैन द कुड एक्सप्लेन इन द टर्म ऑफ थ्री बेसिक प्रोसैस, तीन प्रोसैस आ जिहदे नाल आपां इंट्रैक्शन दस सकते रेडिएशन दी विद मैटर दे नाल। Stimulated absorption, then spontaneous absorption, then stimulated emission. Clear? पहले absorption है फिर emission दी गल कीती है। First of all देखते हैं stimulated absorption की होंदी। देखो दो वर्ड होंगे, spontaneous अपने आप होंदा है, stimulated जो तुसी बाहरों कोई extra force देके कोई काम करवाने that is stimuli करवाने तुसी उस चीज़ नूं, ठीक है। हुण देखो, suppose the radiation of frequency mu is incident, न्यू इज इंसीडेंट ऑन द मैटर हैविंग द एटम विद ग्राउंड स्टेट एनर्जी लैवल ई नॉट एंड एक्साइटेड टू स्टेट लैवल ई वन। मैं सारा कुछ समझा दवांगी, देखो बहुत ईजीली समझ आएगा, तुसी डायग्राम देखो, डायग्राम तो तुम्हें ज्यादा क्लीयर होगा। दिस इज द ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज द एक्साइटेड स्टेट। एक फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से पहला, इन्हें फोटोन अब्जॉर्ब किया, ठीक है, अब्जॉर्ब किया, एनर्जी मिल गई, एक्साइटेड स्टेट चल गया। क्लीयर, सिंपल भाषा च जो आप गल करिए जी आप होनी स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड मतलब अपने आप थोड़ा मैं बारहों कुछ प्रोवाइड किया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट ई नॉट पे बैठा सी, उन्हें एक्साइटेड स्टेट च भेजने लिए एनर्जी चाहिए सी, क्योंकि एनर्जी ज्यादा होगी इस लेवल दी, इन्हें एनर्जी नु प्रोवाइड कर देनी। फोटोन च एनर्जी होंगी, फोटोन का पैकेट ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट एनर्जी, लाइट जी एनर्जी की फॉर्म पैकेट फॉर्म, एनर्जी पैकेट फॉर्म जो फोटोन होंगे, ठीक है। सो इन्हें फोटोन अब्जॉर्ब किया, हायर स्टेट चल गया, ठीक है। सो आफ्टर देखो एब्जॉर्प्शन इथे पहुंच गया। This is called stimulated absorption of simple or simple absorption. इनू की चाहिए, सिर्फ एक incidation of photon चाहिए जिदी एक डेफिनेट फ्रीकुएंसी या एनर्जी हो, मतलब ये नहीं कोई भी फोटोन आके उपर लगे, कोई जिनी नु चाहिए उन्नी एनर्जी का घट्टो घट फोटोन चाहिए, सू एक डेफिनेट फ्रीकुएंसी या एनर्जी होनी चाहिए। ईच एटम एबजॉर्ब वन फोटोन, हर एक एटम एक एबजॉर्ब करता फोटोन, तो कितने एक्साइट हो जाता हायर एनर्जी लैवल इतने चल जाता। पहला कॉन्सैप्ट क्लीयर, दूसरा स्पॉन्टेनियस मिशन देखो की होंगे। सो स्पॉन्टेनियस किंदा द एक्साइटेड, इतना एक वर्ड गलत है इतने जो इन्होंने किया ना, इतने स्पॉन्टेनियस एमिशन आएगा। क्लीयर, एमिशन दो तरह होगी, जिहड़ी लेजर साडी लेजर च इंपॉर्टेंट आ वह हैगी स्टिमुलेटेड एमिशन, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड, ठीक है, एमिशन ऑफ रेडिएशन उथे यूज होनी है। पहला आप उपलियां देख लीए, कहिंदा इहदे विच की हुंदा द एक्साइटेड एटम ऑर्डनरी डज नॉट कंटिन्यू इन द हायर एनर्जी स्टेट। हुण तुहानू भी पता कोई हायर एनर्जी स्टेट चल गया वह उत्थे तो नहीं रह सकता ज्यादा टाइम लई, ठीक है, मिनिमम 10^-18 सैकंड लिए कोई रहिंदा है, है ना। सो उन्हें आ जिहड़ा फोटोन एबजॉर्ब किया उन्हें बाहर कढ के नीचे ग्राउंड स्टेट ते आ जाना हुंदा, यानी जिन्नी एनर्जी लैके फोटोन उपर गया उस एनर्जी नूं मिट करके ने वापस कित्थे आ जाना, ग्राउंड स्टेट ते। क्यों? क्योंकि यह स्टेट एक्साइटेड जिहड़ी स्टेट आ स्टेबल नहीं हुंदी, यह वापस रिटर्न आएगा ग्राउंड स्टेट ते। बट यह अपने आप ही आ गया, इहनूं कोई बाहरों थोड़ा स्टिमुलाइट की आउटसाइड तो कोई लोड़ नहीं पई, इस करके स्पॉन्टेनियस हुंदी जिहड़ी चीज अपने आप हो जाए, मतलब ये स्पॉन्टेनियसली अपने आप इन्हें एमिट कर दिता इस फोटोन, इन्हू ना बोलता आपां स्पॉन्टेनियस एमिशन, ते वापस आ गया ग्राउंड स्टेट ते। हुण इहदे विच देखो की हुंदा, इहदे नाम ही दसदा पिया कि इहनू कुछ एक्सटर्नियस स्टिमुलाई देना पैना बाहरों कुछ, ठीक है। द एक्साइटेड एटम कहिंदा जिहड़ा हैगा आ इन द एनर्जी स्टेट ई वन, जिहड़ा एक्साइटेड एटम इत्थे चल गया आ, नॉट बी रेडी टू कम ऑन द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट ते आने लई तैयार नहीं हैगा एट दैट गिवन इंस्टेंट उस टाइम ते। बट वेयर फोटोन ऑफ रेजोनेंट एनर्जी, एक होर एनर्जी का फोटोन आ पास किया गया बाय द एटम, ते फिर जदों ओ फोटोन पास किया गया इमीडिएटली बैक आ गया,
ਤੇ ਦੋਨੀ ਫੋਟੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟਿਮੂਲਾਈ ਇੱਕ ਫੋਟੋਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਫੋਟੋਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਦੀ ਸਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਛ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਟਮ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੋਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਆਫਟਰ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਦੇਣਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਤੇ ਦੇਣਾ। ਦ ਫੋਟੋਨ ਇਮਿਟਡ ਗੋਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਫੋਟੋ, ਦੋਨੇ ਪੈਰਲਲ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਫੇਸ ਹੋਣਗੇ, ਸੇਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਇਨ ਫੇਸ ਸੇਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਫੋਟੋਨਸ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਰੈਂਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਫੇਸ ਚ ਹੋਣਗੇ, ਸੇਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸੇਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੇਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਫੋਟੋਨਸ ਆਪਸ ਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਰੈਂਟ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਕੋਰੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ ਫੇਸ ਹੋਵੇ, ਸੇਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ, ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਛ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੂਨੀਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਲੇਜ਼ਰ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਟਿਮੂਲੇਟਡ ਐਮਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਲੇਜ਼ਰ ਚ, ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਲਾਈਟ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਸਟਿਮੂਲੇਟਡ ਐਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਦੇ ਸੋਚ ਫੋਟੋਨ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਫੋਟੋਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋਨਸ ਨਿਕਲਣਗੇ ਦੇ ਆਰ ਆਫ ਸੇਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਐਂਡ ਇਨ ਸੇਮ ਫੇਸ ਐਂਡ ਸੇਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਕੋਰੈਂਟ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਨੈਕਸਟ ਯੂਨੀਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਲਾਈਟ ਸੋਰਸ ਐਮਿਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਇਨ ਆਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਫੇਸ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਓਵਰ ਅ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਐਮਿਟਡ ਬਾਏ ਸਚ ਸੋਰਸ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਔਨ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਦ ਆਊਟਪੁੱਟ ਫਰੋਮ ਦ ਲੇਜ਼ਰ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਅਲੋਂਗ ਅ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਵਰਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ 1 mRad ਇੰਨੀ ਕੁ ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ਦ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸਮਾਲ ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਡਾਇਵਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਖਿਲਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਿੱਧੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸਡ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਨ ਬੀ ਫੋਕਸ ਟੂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਸਮਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਵਰਜਸ ਐਂਡ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਫੋਕਸ ਟੂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਸਮਾਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ। ਮੀਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗੀ, ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ, ਮਤਲਬ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਹੈਗੀਆਂ, ਦਾ ਲਾਈ ਮੀਟਰ ਬਾਏ ਲੇਜ਼ਰ ਇਜ਼ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡਨਰੀ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਪਰੈਡ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਸਪਰੈਡ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ ਮਿਊ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਨਿਊ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਲੈਸ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਲੀਅਰ। ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਕੋਰੈਂਸ, ਦ ਮੇਨ ਐਸਪੈਕਟ ਵਿਚ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਲੇਜ਼ਰ ਫਰੋਮ ਦ ਅਦਰ ਸੋਰਸ ਇਜ਼ ਕੋਰੈਂਸ, ਇਹਦੀ ਕੋਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਐਕਚੁਲੀ ਦ ਮੇਜ਼ਰ ਆਫ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਫੇਸ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਨ ਦ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਲੇਜ਼ਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਬਾਏ ਹਾਈ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਕੋਰੈਂਸ, ਇਹ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਕੋਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੇਜ਼ਰ ਆਫ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਫੇਸ ਦਾ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦ ਅਦਰ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ, ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਨ ਵੇ ਆਫ ਦ ਅਦਰ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਦ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਰੈਂਸ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਪੇਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਟੈਂਪੋਰਲ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਆ ਪਿੱਛੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿ ਸਪੇਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਕੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਫ੍ਰਿੰਜ ਕੰਟਰਾਸਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫ੍ਰਿੰਜ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰਿੰਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਆਈ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਆਈ ਮਾਈਨਸ, ਆਈ ਮਿਨੀਮਮ ਪੋਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਲੱਸ ਮਿਨੀਮਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨਾਈਦਰ ਆਈਡੀਐਲਿਟੀ ਕੋਰੈਂਟ ਨੋਰ ਆਈਡੀਐਲਿਟੀ ਇਨਕੋਰੈਂਟ ਵੇਵ, ਰਾਦਰ ਐਕਚੁਲੀ ਵੇਵਸ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਕੋਰੈਂਟ। ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਡਲੀ ਕੋਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਇਨਕੋਰੈਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਕੋਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਨੋਟ ਆਏ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੇਵਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਮੇਨ ਕਰਾਊਂਗੀ ਲੇਜ਼ਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸਟਿਮੂਲੇਟਡ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਕਰਵਾਇਆ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਿਮੂਲੇਟਡ ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ, ਜੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋਨ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਨਰਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇੱਥੇ 5 ਦੀ, ਇੱਥੇ 10 ਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, 10 - 5, ਸੋ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਐਨਰਜੀ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, E₂ - E₁, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਥਰਮ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਥਰਮਲ ਇਕੁਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ ਇਨ ਦਾ ਲੋਅਰ ਐਨਰਜੀ ਸਟੇਟ ਆਰ ਫਾਰ ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ
लार्जर दैन दैट ऑफ कि नंबर ऑफ एटम इन हायर एनर्जी स्टेट, मतलब जो भी इन्हें थर्मल इक्विलिब्रियम आएगा कि जेडे एटम लोअर एनर्जी स्टेट च होंगे वो की होंगे फॉर लार्जर दैन द हायर स्टेट, मतलब लार्ज होंगे लोअर स्टेट के विच, ठीक है, हायर स्टेट च घट होंगे लोअर स्टेट च की हो जाएंगे ज्यादा हो जाएंगे थर्मल इक्विलिब्रियम दे केस दे विच। नैक्सट ए वाला पॉइंट सी एज इट इज याद रखना है। नैक्सट स्पॉन्टेनियस एमिशन हैगी, स्पॉन्टेनियस विच अपने आप नीचे आ जाता है, स्टिमुलेटेड विच तुहानू कुछ उहनू एक्सट्रा प्रोवाइड करना पैंदा, तुहानू दस्सिया सी इहदे विच एक्सट्रा एक फोटोन है रेडी नहीं हुंदा, आली फोटोन दिने रेडी ए वाले जिने दोनों है कोरेंट हुंदे भी दस्सिया। द प्रोसेस दिस प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजर, लेजर एक्शन च ही हुंदा ना स्टाम तो या स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, सो लेजर हुंदा। नैक्सट इज पॉपुलेशन इनवर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन इनवर्जन, ओनली देखो मेन तुहानू चीजा दसांगी बहुत ईजी वे नाल होएगा। द नॉर्मल कंडीशन वैन मटीरियल इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, आप पढ़िया हुणे जो थर्मल इक्विलिब्रियम हुंदा ते लोअर एनर्जी स्टेट जिहड़े आ एटम आ ज्यादा हुंदे एज कंपेरिजन टू हायर एनर्जी स्टेट दे विच, ठीक है, जिहनू आपां बोलदे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बट वैन द नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट आर मेड मोर, जो एक्साइटेड स्टेट च ज्यादा हो जाए नंबर ऑफ एटम, ठीक है, लोअर एनर्जी नाल तां उहनू बोलदे आपां पॉपुलेशन इनवर्जन। थर्मल इक्विलिब्रियम दे केस सिंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुंदी है कि लोअर एनर्जी स्टेट च ज्यादा एटम हुंदे एज कंपेरिजन टू हायर, बट पॉपुलेशन इनवर्जन दे केस च हुंदा नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, बाय सम एक्सटर्नल मीन किसी भी तरीके ना होंगे, एक मैथड से करना पंपिंग उहदे नाल हुंदे आ, सो ओ वाला है, क्लियर। नैक्सट देखते हैं द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द, हुण दस्से ना ए वाली किद्दां हुंदी है थ्रू पंपिंग, मतलब किदा पॉपुलेशन इनवर्जन असी हायर एक्स एनर्जी स्टेट दे विच इलेक्ट्रॉन आइटम जिहड़े ज्यादा लैके आने वो किदा आएगा बाय द पंपिंग, ए वाला प्रोसेस भी अगे हो जाएगा, ठीक है। मैटास्टेबल अगे स्टेट हैगी, ये भी आपां पिछे क्वेश्चन करने उत्थे मैं तुहानू क्लीयर करवा देना चंगी तरह। उस तो बाद तुसीं ये देखो पंपिंग स्कीम दे विच असीं टू लैवल देखते हैं, थ्री लैवल देखते हैं ते फोर लैवल देखते हैं। सब तो पहला देखो टू लैवल दे विच देयर इज नो, जो टू लैवल हुंदा यानी लैवल तो दो लैवल, बस एक ग्राउंड स्टेट है एक एक्साइटेड स्टेट आ, इत्थे कदी भी पॉपुलेशन इनवर्जन जिहड़ी आ उह अचीव नहीं होएगी, क्योंकि पॉपुलेशन इनवर्जन लई मैटा सानू स्टेट चाहिए। मैं तुहानू पहले ये चीजा करवा दिंदी हां, वेट पहले असीं उह क्वेश्चन देख लैंदे आ फिर तुहानू ये चीजा ज्यादा क्लीयर होणगी। What is the main characteristics of laser? Directionality, intense, coherent and monochromatic. कर लिया आप। The light emitted from the जिहड़े conventional source तो light निकलती है कि वो incoherent हुंदी है। Why? The radiations emitted from the different atom in conventional source do not bear a definite phase relationship. उन्हां च एक definite phase relationship नहीं हुंदा, इसलिए कि हुंदा incoherent. Coherence की हुंदी degree of किन्ना phase correlation, उन्हां विच phase relationship किन्ना है, वो हुंदी coherent. ठीक है, इस करके ये incoherent हुंदे है। Can we obtain the light amplification in the absence of stimulated emission? की जिहड़ी लाइट की एम्पलीफिकेशन जिहड़ा लेजर सी, लेजर च लाइट एम्पलीफिकेशन हुंदी ना वो कहना हुंदी स्टिमुलेटेड एमिशन आ, पर उस तो बिना पॉसिबल है नहीं, उस तो बिना नहीं पॉसिबल हैगी, ठीक है। नैक्सट तुसीं इहदे विचों करना क्वेश्चन, इधर देखो द प्रिंसीपल ऑफ लेजर, लेजर किस प्रिंसीपल ते काम करदा, स्टिमुलेटेड एमिशन दे प्रिंसीपल ते, ठीक है। नैक्सट वाई डज द वर्ड लेजर एंड मेजर स्टैंड फॉर, वट डज की इन्हां दा लेजर फॉर लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन एंड MASR माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन by stimulated emission of radiation. What is the population inversion? जो तो मैं दस्या higher energy state च जेड़े या atom ज्यादा हो जाएंगे as comparison to lower energy state दे विच, ठीक है। जेड़ी आई ज्यादातर sensitive हुंदी है वो EM wavelength of 555 nanometer दे लई हुंदी है, ठीक है, यही याद रखना है तुसी, इच कारण ज्यादा नहीं याद रखना है, ठीक है। मैं तुहानू दस्से कोई भी परफेक्टली मोनोक्रोमैटिक तो हुंदा ही नहीं है। डिफाइन यह है मेटास्टेबल स्टेट, देखो द एनर्जी स्टेट हैविंग द लाइफ लॉन्ग टाइम, जिहड़ा लाइफ टाइम आ वो हैगा 10^-3 seconds more than the lifetime 10^-10 seconds of the normal or a normal higher energy state is called. देखो higher energy state च ना normal time मैंने जाना 10^-10 seconds but कई बार क्या होता है lifetime थोड़ा बढ़ जाता है, कितना time हो जाता है 10^-3 seconds इनू बोलते हैं आप metastable energy state, ठीक है, जब उथे थोड़े ज्यादा टाइम लिए रिटेन कर जाते हैं, क्लियर। सो उस तो बाद है हुण देखो ये तुहानू पता होना चाहिए, जे मैं लेजर का एक्शन स्टार्ट करना ओली मैनू मैटास्टेबल स्टेट जरूरी चाहिए, ताही मैं तुहानू उत्थे पंपिंग तो दसण तो पहले दसिया कि मैटास्टेबल स्टेट बननी बहुत जरूरी है, मतलब एटम कुछ कचेली उत्थे रुके ताही पॉपुलेशन इनवर्जन फिर अचीव होनी है, पॉपुलेशन इनवर्जन भी अचीव होएगी वो थ्रू पंपिंग होएगी, ठीक है। रैंडमली उत्थे एमिट होना चाहिए, रैंडमली एमिटेड स्पॉन्टेनियस फोटोन आर एसेंशियल, उत्थे एक सानू स्पॉन्टेनियस फोटोन भी चाहिए ट्रिगर करने लई, ठीक है, जो वो ट्रिगर होएगा फिर ही उत्थे स्टिमुलेटेड एमिशन होनी है। स्टिमुलेटर च मैंने एक पिछों फोटोन चाहिए वो आएगा स्पॉन्टेनियस तो, रेजोनेटर भी रिक्वायर चाहिए होंगे, ठीक है, एक मैटास्टेबल स्टेट चाहिए, पॉपुलेशन इनवर्जन होनी जरूरी है, एक स्पॉन्टेनियस फोटोन चाहिए क्योंकि ताकि स्टिमुलेटेड नू ट्रिगर कर सके, एक रेजोनेटर चाहिए,
तीन च मेन एक्शन होंगे, सब तो पहला लेजर मीडियम जिन्होंने एक्टिव मीडियम बोलते, उस पंपिंग डिवाइस आ जाता, उस तो बाद रेजोनेटिंग कैविटी आ जाती। सब तो पहला होंगे साढ़े को एक्टिव मीडियम या लेजर मीडियम, ठीक है। नैक्सट देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ा है ने, वाई देर इज़ नो लेजर एक्शन इन द टू लैवल पंपिंग स्कीम, ठीक है। टू लैवल पंपिंग स्कीम के क्यों नहीं होंगे, असं उ करा तो उत्थे भी क्लीयर हो जाएगा, बट चलो इतने भी देख लो, क्योंकि जो आप टू लैवल की पंपिंग स्कीम कर दे, देर इज नो क्वेश्चन, उत्थे पॉपुलेशन इनवर्जन ही नहीं आनी, ठीक है। पॉपुलेशन दो तो है उत्थे, मैटास्टेबल नहीं, मैटास्टेट भी नहीं आनी हैगी, बट एट मोस्ट वी कैन अचीव द कंडीशन एन टू इक्वल टू एन वन, मतलब दोनों से बराबर हो सकते हैं। नैक्सट मैं तुम दस ना, एक स्पेशल कोरेंस होंगी, एक टैंपोरल, इन दोनों से डिफरेंस की है, अगे मैं तुम्हें बोलिया ही दसागी। देखो, द वीम ऑफ लाइट इज सैड टू पोजेस टैंपोरल कोरेंस कदों होगी, जो फेस डिफरेंस आ ना, वो जो वेव क्रॉस कर रही है दो पॉइंट से, वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, यानी जिधर वेव जा रही है उधर है, तो यह टाइम से इंडिपेंडेंट होंगे। बट जो यही वाला परपेंडिकुलर हो जाए, होना यह भी टाइम, होना यह भी टाइम इंडिपेंडेंट ही है, बट जे तो अलोंग है, सेम डायरेक्शन है, तो टैंपोरल आ, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाते स्पेशल बोलते हैं। ये डिफरेंस याद रखना, पूछ सकता कि असी प्रोसैस ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन नू आउटसाइड तो कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। हुण तुसी ओ वाली चीज़ा देखो, तुहानू ज़्यादा क्लीयर होणगियां जो मैं तुहानू बोलिया सी, अगे दसांगी। हुण देखो, टू लैवल पंपिंग स्कीम, ठीक है, एक एनर्जी लैवल ई वन, एक ई टू, ठीक है। पॉपुलेशन इनवर्जन लिए हुंदा एन टू शुड बी ग्रेटर ग्रेटर दैन एन वन, यही पढ़ के आए ना पॉपुलेशन इनवर्जन लिए, ठीक है। दिस इज पॉसिबल ओनली अंडर द वन कंडीशन दैट अपर एनर्जी लैवल ई टू इज पॉपुलेटेड एट द फास्टर रेट दैन द डीके टू लोअर रेट, ठीक है। बट ये इदा हुंदा नहीं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अचीविंग द पॉपुलेशन इनवर्जन, पॉपुलेशन इनवर्जन जिहड़ा आ उह नहीं हुंदा हैगा, बट एट मोस्ट एक कंडीशन जरूर अचीव हो सकती कि एन टू इक्वल टू की हो जाए एन वन। इतने लेजर एक्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लेजर एक्शन की कंडीशन पड़ी ना, उत्थे पॉपुलेशन इनवर्जन होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। सो ए नहीं हो पाएगी, क्लीयर। सो नैक्सट है थ्री, थ्री लैवल पंपिंग स्कीम। हुण थ्री लैवल होंगी है रूबी लेजर दे विच एंड हीलियम नियॉन रेजन च, ये याद रखना, मैं समझा देनी है। देखो, थ्री लैवल आ जाएंगे ई वन ई टू ते ई थ्री, जिदा टू लैवल से हुण है थ्री लैवल ई वन ई टू ई थ्री, इत्थे तुहाडे कोल मैटास्टेबल स्टेट आ जाएगी, ठीक है। सब तो पहला इलैक्ट्रॉन देखो गया एबजॉर्ब करके कोई फोटोन पंपिंग द स्टैप नंबर वन एक्साइटेड स्टेट दे विच, ठीक है। उत्थे स्पॉन्टेनियस एमिशन हुई, उत्थे एक इनू फोटोन भी मिल जाना, इत्थे मैटास्टेबल स्टेट है, लाइफ टाइम कुछ ज्यादा हुंदा, उत्थे ए फटाफट इत्थे नहीं आंदा, वो फिर एक फोटोन लैके बाहर आंदा, जिहड़े दोनों फोटोन तुहानू पता कोरेंट हुंदे आ, यानी इत्थे लेजर आउटपुट मिल जाने। हुण देखो, इच होर ही ना स्टिमुलेटेड एमिशन, मैटास्टेबल भी आई, पॉपुलेशन इनवर्जन भी हो गई, सो इहदे विच जिहड़ा लेजर एक्शन अचीव किया जा सकदा। एदां ही आ फोर लैवल आ, देखो वन टू फिर थ्री फिर दिस, फिर इथों होना स्पॉन्टेनियस एमिशन, फिर स्टिमुलेटेड एमिशन, इतने ग्राउंड स्टेट तो जाके नहीं अमिट होएगा, इथों एसी स्टेट तो जिहड़ा अमिट हो जाएगा, क्लियर। ए फोर लैवल हो गया, किन्ना ईजी आ, सिंपल, पहला इथे गया, फिर उतो स्पॉन्टेनियस एमिशन हुई, फिर लेजर वाला स्टिमुलेटेड एमिशन, क्योंकि इतों फोटोन मिलना, फोटोन ने फिर ए वाले नू बार एक्स करवा देना, अमिट करवा देना, ठीक है। ये मैटास्टेबल स्टेट, ठीक है, इस मैटास्टेबल स्टेट सेंटर च, इतने ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन आके फिर अमिट करता पाया इतने उपर ही एक्साइटेड स्टेट च। थोड़ा जा डिफरेंस देख लो कि थ्री लैवल से फोर लैवल च की है, मोस्ट ऑफ द एटम इन द ग्राउंड स्टेट बिफोर पॉपुलेशन इनवर्जन, ठीक है। ज्यादा चर जो एटम है आर इन द ग्राउंड स्टेट होंगे बिफोर पॉपुलेशन इनवर्जन, बट ए पढ़े देखा ही एटम इन द लोअर स्टेट लैवल ई टू कंपेरेटिवली लैस इन नंबर, ठीक है। सो जे पॉपुलेशन इनवर्जन तुसीं करनी है बिटवीन ई टू एंड ई वन, तुहानू लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए है, ठीक है। बट ए जी तुहानू घट एनर्जी चाहिए होंगी है, एक वाला पॉइंट देख लो, ठीक है। एक भी देख लो, पॉपुलेशन इनवर्जन नॉट इज नॉट सस्टेन बिकॉज मैटास्टेबल ई टू गेट डीपॉपुलेटेड, बहुत जल्दी ना डीपॉपुलेटेड हो जाती, इस करके एदा नहीं हों, यदि लोअर एफिशियंसी होंगी है, फोर लैवल ज्यादा एफिशियंसी होंगी, पंपिंग का रेट बट बहुत हाई होंगे, पंपिंग का रेट लो होंगे, ठीक है। इसे ध्यान रखना, देखो हाई है, ये वाले दो तीन पॉइंट आ, यही इंपॉर्टेंट है, इन्हों पालना ज्यादा कुछ औखा नहीं है। ये पंपिंग स्कीम बारे तुम्हें पता होना चाहिए कि टू लैवल थ्री लैवल एंड फोर लैवल का। नैक्सट अभी देखते हैं, नैक्सट है क्वेश्चन, कंसैप्ट देखो नाल क्लीयर भी हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर। सो फर्स्ट, लेजर लाइट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, कि प्रोसेस चो आती है, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड एमिशन, या नाम तो ही लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन। सो लेजर दे फुल फॉर्म लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। लेजर बीम डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी बीम, क्यों, हाईली इंटेंस होंगी,
ज्यादा मोनोक्रोमैटिक होंगे या हाईली कोरेंट होंगे, सारे पॉइंट या तीन पॉइंट की प्रॉपर्टीज सके। क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी के क्वांटम की बोलते दसिया सी, लाइट एनर्जी के क्वांटम जो पैकेट होंगे दैट इज फोटोन, ऑप्शन नंबर बी। नैक्सट है क्वेश्चन देखते हैं, हाई डायरेक्शनैलिटी ऑफ द लाइट बीम मीनस, हाई डायरेक्शनैलिटी मतलब कि ज्यादा डायवर्ज करेगी घट, दसिया घट डायवर्ज करनगिया। टैंपोरल जी ठीक है, इन्हों दो नाम होंगे, एक टैंपोरल का एक होर नाम होंगे, देखते हैं नाम की होंगे सिक्स का सी ऑप्शन, लॉन्गिट्यूडनल कोरेंस भी कहते हैं। ठीक है, मैं पॉइंट से नाम तुम दसना भूल गई, इतो तुम नोट कर लियो। इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम की होंगे नंबर ऑफ एटम लोअर एनर्जी स्टेट ज्यादा होंगे कि घट होंगे, लोअर एनर्जी स्टेट की होंगे ज्यादा होंगे, आप पढ़िया भी सी पॉपुलेशन इनवर्जन के लोअर च घट जाते हायर ज्यादा हो जाते हैं, नॉर्मल मैं दोनों ही पढ़ाईया। थर्मल इक्विलिब्रियम की होगा नंबर ऑफ एटम इन लोअर एनर्जी स्टेट की हो जाएंगे ज्यादा हो जाएंगे एज कंपेरिजन टू हायर एनर्जी स्टेट। ठीक है, यह प्रोसैस किने फाइंड आउट किया एलबर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है, जिथे उन्हें लिखी सी लेजर बीम इज मोर कोरेंट बिकॉज इहदी कोरेंट लेंथ ज्यादा होंगी है, स्मॉल होंगी है ज्यादा होगी, ऑब्वियसली लोअर जी यदि कोरेंट लेंथ ही है वह ज्यादा होगी, जो लेंथ ज्यादा होगी तो ऑप्शन नंबर यदा आ गया बी। ठीक है, कोरेंट लेंथ इज ज्यादा। पॉपुलेशन इनवर्जन की हो जाता है, ज्यादा आइटम हो जाते हैं कि हायर एनर्जी स्टेट दे विच। ठीक है, सो साडे कोल आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए दा डी, एन टू इज ग्रेटर दैन एन वन। इन द स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम द एटोमिक पॉपुलेशन ऑफ हायर स्टेट, थर्मल सिंपल दे विच की सीगा जिहड़ी एटोमिक पॉपुलेशन आ हायर एनर्जी स्टेट दी ओह की रहिंदी आ घट रहिंदी आ, लोअर दी ज्यादा रहिंदी, सो एक्सक्लूड नहीं कर सकदी पॉपुलेशन ऑफ लोअर स्टेट, सो इहदा ऑप्शन नंबर आ गया साडे कोल बी। ठीक है, नेक्स्ट हैगा आ लाइफ टाइम मेटास्टेबल दा कीता सी आपां 10⁻³ सैकेंड। इतने तेरे को थ्री है एनर्जी स्टेट्स एन वन ग्रेटर दैन एन टू ग्रेटर दैन एन थ्री, मतलब ये ज्यादा है फिर घट, यह सिस्टम एबजॉर्ब करेगा फोटोन, सिस्टम इमिट करेगा, देर इज पॉपुलेशन इनवर्जन कंडीशन हो गई। ठीक है, या ये की होगा लास्ट इज नन ऑफ अबव, ए सिस्टम एबजॉर्ब करेगा फोटोन। ठीक है, पहले एबजॉर्ब होगा फोटोन, 13 का ऑप्शन नंबर ये है। 14 का देखो, द एक्टिव सेंटर आर दो सेंटर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, एक्टिव सेंटर से लाइट एम्पलीफिकेशन पढ़ाया सी ना, लेजर लई एक जरूरी होंगे लाइट एम्पलीफिकेशन लिया गया एक्टिव सेंटर। द फोर लैवल जो प्रैफर ओवर थ्री लैवल, क्यों फोर लैवल क्यों किया जाता है, मोर लैवल टू एक्साइट, ए मोर मेटास्टेबल स्टेट बन दी, लोअर एनर्जी लैवल इज नॉट अ ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ये सारे ए पॉइंट्स आएंगे, ए आएगा द लोअर लेजर लैवल इज नॉट ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से नहीं हों, फोर्थ लैवल से तुम दिखाया कि जो थ्री लैवल से थ्री लैवल से इलेक्ट्रॉन पहला इतने गया, फिर इतने मेटास्टेबल चाहता ही, फिर इतने फोटोन एमिट करके ग्राउंड स्टेट चाहता ही, बट फोर के केस की सगा पहला इतने जाता है फिर इतने आता है फिर ग्राउंड स्टेट आ होती है इतों निकलता, यानी एक्चुअली ग्राउंड स्टेट वो नहीं होंगी सी। ठीक है, पंपिंग इज रिक्वायर्ड टू अचीव, पंपिंग के लिए जरूरी है पॉपुलेशन इनवर्जन लिए या फिर मेटास्टेबल स्टेट लिए, पॉपुलेशन इनवर्जन होने लिए मेटास्टेबल स्टेट बहुत जरूरी, सॉरी पंपिंग बहुत जरूरी है पॉपुलेशन इनवर्जन लिए। क्लियर, 16 का ऑप्शन नंबर हो गया साढ़े को बी, नॉर्मल क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो गई। रेजोनेटर, नेक्स्ट इज रेजोनेटर, ऑप्शन नंबर आएगा सी, क्योंकि डायरेक्ट याद कर लो तुम, मैं तुम्हें ए बारे नहीं दसिया, वन ऑफ द मिरर इज 100% रिफ्लैक्टर एंड अदर इज सैमी ट्रांसपेरेंट, देर इज नो लेजर एक्शन, कितने लेजर एक्शन नहीं होंगे, टू लैवल फोर लैवल या थ्री लैवल पढ़ा ही, टू लैवल कोई पॉसिबिलिटी है नहीं उन्होंने करवा दी। ठीक है, पॉपुलेशन इनवर्जन इज सस्टेन्ड इन के सस्टेन्ड रही है फोर लैवल किया सस्टेन रही काफी टाइम लिए, क्यू फैक्टर इज मेजर ऑफ, ठीक है इन इधर कर लेना, वैसे लेजर सू बुक लिखा नहीं इन्ना, क्यू फैक्टर इदा याद रखना की होंगे या एनर्जी लॉसिज इन द कैविटी। ठीक है, ये होंगे क्यू फैक्टर। नैक्सट है 21, द फोटोन ऑफ यूवी लाइट विल वी की होंगे या मोर एनर्जेटिक होंगे कि विजिबल लाइट न। ठीक है, नाल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो गए, देख लो जो पिछला कॉन्सेप्ट किया नाल दे सी, आपां क्वेश्चन सारे चंगी चंगी तरह कर ले आ, ए लेजर दा इंपॉर्टेंट है, एक लेजर दी होर वीडियो होएगी, खत्म हो जाएगा लेजर दा कॉन्सेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।